संयुक्त मोर्चे की कॉल उत्ते जिथे पूरे पंजाब ही नहीं पूरे हिंदुस्तान दे विच केंद्र सरकार दे तीन कानूनों दे खिलाफ भाजपा सरकार का विरोध किया गया, उत्थे ही जिला नवांशहर के मजारी टोल प्लाजा से भी तीन कानूनों के खिलाफ केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला फूकया गया, जिस विच सीटू के सूबा मीत प्रधान महा सिंह रोड़ी, दुआबा किसान यूनियन के वित्त सकत्र कुलदीप सिंह दियाणा, कैप्टन रघुवीर सिंह, बलजीत सिंह भारापुर, जोगिंदर सिंह अटवाल आगुआ ने संबोधन करते हुए कहा कि मोदी सरकार सुती पई है, इस नूं जगाउण लई पूरे भारत में पुतले फूके गए हैं, रोष वजो कालिया पट्टिया बनिया गई, ब्लाकों के वख-वख पिंडां दे विच मोटरसाइकिल रैलियां कढ़िया गई, रैलियां के स्वागत लई पिंडां दे विच काफ़ी किसान भी खड़े सन। इस रैली दे विच किसानां ने वध तो वध हिस्सा लिया। बलाचौर तो पंजाब टीवी लई हरमेल सूंगड़ा की रिपोर्ट। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज संयुक्त मोर्चे की कॉल पर जो काला दिवस मनाने की जो कॉल दी गई सी, इवज में अज मजारी टोल प्लाजे तो ये काफिला वख वख पिंडां च हुंदा होया यह संदेश देगा कि जो किसानों ने अज तो 6 महीने पहला कह के गए सी कि 6 महीनों का राशन असी नाल लैके चले हाँ, वो तो पूरे खरे उतरे आ, ते उत्थे 6 महीने हो गए ने पर सरकार दे कन्नां ते जू नहीं सरकदी। पर जिथे सरकार अंदरों टुट चुकी है, परसों बहुत बड़ा किसानां दी हरियाणे दे वीरां ने कट करके जो लाठीचार्ज होया सी वो दस दिता, जिथे कि 5 IPS अफसरां नूं सामने खड़ के मुरजम की तरह माफ़ी मंगनी पई, और जिस परिवार दे मैंबर दी मौत होई है उहनूं एक नौकरी देने लई एक किसानां दी वड्डी जित कहा जा सकता है। उत्थे हजारां दे विच कट्ठ देखने नूं मिलिया, परसों असीं भी हजार उत्थे पहुँचे, मतलब 32 किसान जथेबंदियां पंजाब दियां। ते ए वीरो जाने किते ना किते सरकार ये लोगों नूं डराना धमकाने की कोशिश अगे करती रही है, कदे 370 धारा जां ये किते शहीन बाग, ते हुण ये काले कानून जिहड़े लियाए सी उहदे विच बिल्कुल गोडे टेक चुकी है, सिर्फ जित हो चुकी है, ये ऐलान होना बाकी है। ये तुसीं भली भांत जाणदे हो हरियाणे दे विच जो होया परसों वो देखण वाला मंजर सी, उत्थे जिथे पंजाब ते हरियाणे ने बाकी सारे हिंदुस्तान ने उत्थे एकमुठता दा सबूत दिता आ, जिथे पंजाब वालियां नूं मेरे वीरां नूं हरियाणे वालियां ते कुछ सिखणे नूं मिलिया, और हरियाणे वाले वीरां नूं साडे पंजाब वालियां तों कुछ सिखणे नूं मिलिया। पंजाब वाले वीरां नूं इह सिखणे नूं मिलिया कि आने वालियां पार्टियां जिहड़ियां सियासी पार्टियां उहनां दा स्वागत किंज करीदा पिंडां दे विच, इह पंजाब वाले वीरां ने सिखिया, और शांतमई ढंग दे नाल किद्दां अंदोलन लड़े जांदे ने ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਜਾਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ 5-5, 4-4 ਬੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਲਾਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ 'ਤੇ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਜਾਰੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਜਾਰੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਨੂੰ ਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰੇਗਾ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ
संयुक्त मोर्चे दे काल दे उत्ते अज काला दिवस मनाउण लई एकत्रित होए आ। सब तो पहला मोदी का पुतला फूकया जाएगा, उस तो बाद मोटरसाइकलों का काफिला अलग अलग पिंडां दे विच उत्साहित करके दिल्ली जाण वास्ते प्रेरित करेगा। तो करीब असी अज 30 पिंड कवर करांगे। जो भी बेनती करते हैं जिन्हें भी सज्जन चल रहे हैं अपना सब कुछ सेफ्टी नाल चलन। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। अज हिंदुस्तान पद्धर ते संयुक्त मोर्चा लड़दे नूं पूरे 6 महीने हो गए हैं। तो जिहड़े सरकार दे है उहदी जिहड़े भी उहदे भी 7 साल हो गए है। सरकार जश्न मनाऊगी, तरीके लोगों को दसूगी असीं आह लोगों कीता है, पर असीं अज पूरे 6 महीने बाद 26 तरीक नूं संयुक्त मोर्चे ने हिंदुस्तान पद्धर ते सद्दा दिता है कि अज रोस दिन वजों सारे हिंदुस्तान दे विच अपने अपने घर अगे अपने अपने वहीकल दे उपर ते जिथे भी बैठे चौंकां च टोल प्लाजां ते मॉलां ते सारिआं ते ही काले झंडे ला के रोस प्रदर्शन जिहड़ा करना है। क्योंकि संयुक्त मोर्चे दे वख वख जथेबंदियां ये महसूस करदियां कि अज 6 महीने दे बाद ही अन्नदाता जिहड़ा वो सड़कां दे उत्ते रुड़ रिहा। अज 500 दे करीब साडा साथी साथों बिछड़ गया, पर मोदी सरकार इन्नी निर्लज ते आदमखाणी पार्टी है जिस पार्टी नूं कोई भी लोगों का भोरा भी माड़ा मोटा दर्द नहीं है। तो असी एक गल ते बहुत खुश हाँ कि अज हिंदुस्तान का सजारा ही जिहड़ा पोलीटिकल पार्टियां तो मोदी के खिलाफ कट्ठे नहीं हो सके, विरोध उन्हों लाने लई मोदी के खिलाफ जहाद नहीं खड़ा कर सके। अज हिंदुस्तान का किसान सारिया ही 405 जथेबंदियां हिंदुस्तान लैवल ते 32 जथेबंदियां अपने शंघू बार्डर ते कट्ठे करके अज एक मुठ है। तो इस गल ते तहिया कीता है कि जदों तक काले कानून वापस नहीं करते ते मजदूरों के 4 करोड़ वापस नहीं होंगे उदों तक असी संघर्ष करते रहांगे। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, ये जित की एक निशानी है।